अच्छा भैया, देखाई दीपक भैया के देख रेख में आवारा स्टूडियो से ही रिकॉर्डिंग होता हो। ये आप लोगन के मांग पर एक बिरहा हम आप लोगन के बीच में भेजत आई, और हमें विश्वास और आशा हो कि आप लोगन के बेहद पसंद आई। आप लोगन जितना गीत संगीत हमारे सुन के प्यार दुलार दहला, उतना यहू गीत के यहू बिरहा के सुन के आप लोग प्यार दुलार दई हैं। हमारे साथे हमारे साथी कलाकार हारमोनियम पर रमेश विश्वकर्मा जी, ढोलक पर सुभाष यादव, कोरस पर राम वृक्ष यादव, सुरेंद्र पाल और प्रकाश जी, ये हमारे लोग सहयोगी हो। बहुत बहुत आप लोगन के सुने वाई श्रोता गण लोगन के लाल मोहम्मद शेख जौनपुरी का बहुत बहुत प्रणाम हो। आजा भैया रमेश बाबू चार लाइन भूमिका हो। हरीश हासिल किया जो वही दुख का कारण, धारण करो जान जाओगे बंदे, शक्ति श्रद्धा या भक्ति से भगवान दिए, लिए फिर वही जब हुए कर्म गंदे, खगोत से नान साजग मगाती, सजाती सदा नारी नाजुक नयन को, सुषमा सुशोभित सदा उनको करती हरती हमेशा लाइन गजल गंदाज हो। माशा राजा ती लाइन पर आजा। बहुत गवैया तमाम गवैया लोग गौला, लेकिन हम का बताई ला कि अरे चमक तुझसे पाते है सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, अब मेरा दिल भी चमका ते चमकाने वाले, गाना के भाव में कहना बाबा बू कैसे कि अरे खुदा की खुदाई, अरे खुदा की खुदाई को किसने हजार लोभी
बाबू नज्म का लाइन दे दे। वक्त इंसान में इंसानियत की देवता है, करे मुनादी मानवता भी देती न्योता है। लगन की शंकु की लगी रही तपेश्या में, खटकती बात बधे अपले ही समस्या में। राजा त्रिशंकु जेके राजा भी कहल जाला, मुनि भी थे। राजा त्रिशंकु जी के कोनो संतान ना हो, पुत्र के चाह में जोग रंगावा बदे के घर द्वार छोड़ के चल देलन। ए भैया, घर से जब बाहर गईलन है, एक मानसरोवर मिलल, इतना सुंदर छटा हो वहां का, वो मानसरोवर के इतनी सुंदर छटा हो, वहीं पर जब पहुंचलन है तब भगवान के भक्ति में आंख मुन के लीन हो गईलन, साधना में बैठ गईलन। वही मानसरोवर में डेली ऋषि मुनियन का लड़की स्नान कर बदे आवे बाबू। सुभाष भाई, रामरिच भैया, जब स्नान कर बदे कुछ सब लड़की अलीन तो कहलिन की आय हाय हाय हाय, इतना सुंदर मनई अखिया मुनि के कैसन बैठल हो। कहलिन मनवे में सोचत हैं सब लड़की कि अगर ही हमने का प्यार बन जातन, हमने का सिंगार बन जातन, उचाई के लड़की सब लग गए उन्हें हिलावत बोलावत हैं, कहत काही निकलाई तर्ज लग गई। रमेश बाबू पर्दा लगा के आ जा। आय हाय हाय हाय, बड़ी अच्छी लाइन दे रमेश बाबू कि कौनो एक प्रेमी अपने प्रेमिका से कहलस, सीना तन के कोरिया जाए अचुंदरी भुइया ले लहराए, हो सीना तन के कोरिया जाए अचुंदरी भुइया ले लहराए, अरे हम के कहीं फट न जाए रे समी ओढ़निया। उस सब लेकी मुनीन के मुनि ऋषि के लड़की कहलिन था मुनि की 1000 किशोरी कहें की ताका हमारे ओरी, मुनि की 1000 किशोरी कहें ताका हमारी ओरी, अरे हमसे मिलवा नजरिया, अरे हमसे मिलवा नजरिया, सूता एक साथ सबकी सजरिया।
भगवन में लीन नहीं बोलन पुजारी, सरवर गुलाब पाके गमके इतू ते अखिया सबकी चमके, सरवर गुलाब पाके गमके इतू ती अखिया सबकी चमके, तो हमसे मिलावा नजरिया सूता एक साथ सबकी सजरिया भवरा। यह अरमान हो, यह दिल के ख्वाहिश हो, नहन का लड़कीन का कहत है, लेकिन वो तो भगवान के भक्ति में लीन हुआ। त्रिशंकु जी कुछ बोलत ना हो, लचार होकर के बाबू उस सब लड़की शाम हो तो घर चल गई। फिर दूसरे दिन जब भैलिन तब अलिन तब भयल का बाबू देखा लगा दे कौनो के देवर अपने भौजाई से कहलस कि भौजी बड़ी सुंदर हो, बड़ी नीक हो, गोर हो, एक चीज कमी हो तोरे में। कहलस का भौजी तोरी अखिया कतारी ओ कतारी ओ काजर बिना कारी, लेकिन गाना सब लड़की प्रयास करत हैं, लेकिन त्रिशंकु भगवान के भक्ति में लीन हुआ, कुछ ना बोलत हुआ। आ जब तीसरे दिन अलिन तू सब हद पार कर दिलिन, कैलिन का बाबूजी और कहत कहिन एक लाइन तर्जबा मास्टर। वाह वाह तर्ज से बढ़िया फर्ज में आ जा, कहनाम बका मास्टर। वाह वाह यह कहते हैं सब अखिया मिलावा
तरसावा, काहे तरसावा, काहे तरसावा चढ़ली जवनिया में। कैलिन का छो केहू पानी फेंक केहू दाढ़ी सोहरावे, मग्न राजा जी के झिया खिलावे, ध्यानवा टूटा थी के सुनावा दा सारा पावा, ध्यानवा टूटा थी के सुनावा दा सारा पावा, आगिया लगाऊ लू बतनिया में, काहे तरस हवा, वही मान सरोवर से पानी सबू लेके लिया लिया कि अजुली से लगलिन फेंक है, और जब फेंक है लगलिन तो ध्यान टूट गया, और जब ध्यान टूटल हो तो त्रिशंकु जी क्रोधित होकर के श्राप दे दलन, श्राप दे दलन कि जे यही मान सरोवर से हमार ध्यान टूटल हो, यह श्राप दलन कि जे मान सरोवर में मर्द स्नान करी उ नारी हो जाई, अच्छे नारी स्नान करियू मर्द हो जाई, ध्यान तो टूट गल, शराब दे देलन, शराब देले के पश्चात बाबूजी क्रोधित होकर के फिर भी जाके उसी मानसरोवर पर बैठल हुआ, उस सब लड़की बड़ा खुश हो गई, कहलन कि आय हाय हमने का अब मनसा पूर हो जाई, हमने का अब श्रृंगार मिल जाई, कहत काहे सब एक लाइन तर्जमा मास्टर, तर्जतु है बा कि कौनो एक प्रेमी का प्रेमिका मिले बदे कहले रहे ना मिलल, सखी लोग कहतीन है देखा कितना बढ़िया बढ़िया सामान बिचात हो, तो प्रेमिका ओकर कहले की अरे जेके हम खोजे बदे जैसे मिले बदे लू तो उतर ना हो, तो कहत का बा कि अरे बोहरिया परो मेलावा में, अरे बोहरिया परो मेलावा में उस सब लेकी कहली सगाई कैला रजऊ, सगाई कैला रजऊ, आ कह सोहराय हो सगाई कैला रजऊ, मर्द होई नारी लड़की से बड़ी खुशी भइल कि हमने कहा अब मनसा पूर हो जाई, लेकिन श्राप दे देलन, श्राप देले के पश्चात बाबूजी फिर भी वो मानत ना हो, जाके भगवान के भक्ति में लीन हो गईलन, उस सब लड़की लचार हो गईलीन,
लचार हो के सब घर चल गई। चंद्रमा जी यह मृतलोक में इलन घूमत घूमत जब मानसरोवर पर पहुंचलन है, कहलन की वाह वाह ऐसन तो स्वर्ग लोक में भी ना, सोचलन की तनी हम स्नान के लिए अचौनी समय स्नान कर देगे। चंद्रमा जी वो मानसरोवर में हलत हुए, जब हललन तो बाबू जी जब डुबकी लगौलन नहाए देखे, जब डुबकी लगाए के ऊपर भैलन तो पूरा कलपुर जा सोचा लगलन कि हे राम ई का हो गया। अब तब तक ले नारद जी बीड़ा बजाओ गए नारायण नारायण। चंद्रमा जी कहलन हे मुनिवर ई का हो गल, कहे आइए बाहर आइए। तैसा तर्ज बदल गया कैसे भैया, तर्ज से बढ़िया फर्ज में सुना का कहा कहना बा कि हलता पनिया में चल देने विष्णु के पास गोरिया के लेके पहुंचे विष्णु को हाना भगवान विष्णु के पास लेकर के नारद जी पहुंचलन। देख करके नारद कहलन कि हे नाथ देखा लेके आयल ही। आज जब नारद जी देखलन तो बाबू जी देखते मन मुग्ध हो गई। कहे नारद से कि आप जाइए मुनिवर जी आप जाइए इनको छोड़ दीजिए। भगवान विष्णु जी रथिदान कैलन प्यार कैलन रतिदान कैलन एक लड़का पेट में हो गए। लेकिन चंद्रमा का श्रृंगार कैसे करें मेहरारू रूप में वो तो बताई लड़की तैसा विरहा के शैली में लाइन आगल मास्टर कि अरे राम कि अरे बगीचे में तरुड़ा गई कि अरे बगीचे में तरुड़ाई जा गई तो चंचल चंचरी चंपक बागों के पीछे अरे हो पीछे अरे हो पीछे अरे हो चंचल चंचरी चंपक बागों के पीछे बगीचे में तरुड़ाई आ गई। तई देखा
नारी रूप में चंद्रमा कितना बढ़िया सिंगार करत हो। कैसे रमेश बाबू, सुभाष भाई, कर रच के सिंगार खेत भैल बरिया, गले भी सुनू बहार घुबटार सुंदरी, चले रहा हमें उतान छमा छम सीना तान, जूटे सेज भगवान झंझटार सुंदरी, देखी नारी अलबेली ठीक कर खेला खेली, डर भीतर न बेली धप्पनदार सुंदरी, तपन तन की बुझाए थली पेट की फुलाए, देख चंदा यकुलाए धन्नार सुंदरी, भैया चंद्रमा के एक लड़का पैदा भयल भयल का हाथ जोड़ के चंद्रमा जी भगवान विष्णु से विनती करत हो कि हे नाथ, हे नाथ, अभी है माया जाल से हमें मुक्ति दे दा। पापड़ के लाइन में रमेश बाबू, भगवान विष्णु कहलन जा उसी मानसरोवर पे स्नान कर ली है। कहलन चंद्रमा जी नारी रूप में कि हे नाथ, है ये खजन गोदी में हम का करें, कहे ले जा वही सरोवर के तट पर रख दी है। आ चौनी समय सरोवर तट पर बच्चा के रख के स्नान कैलन, अब वो समय अपने रूप में हो गईलन, खुशी खुशी चल गईलन, देव लोक में चल गईलन। आ यार बच्चा रोत हो तो भयल का सुने निरशंकु बच्चा रोता, टूटल बाधिया नवा हो, उठा के लाए गोदी में अकरन लगे पना नवा हो, अरे माया तिहल सापन चाल बिछाई पाई दुलही, पुत्र चाह में सारा जो भुलाई। वही राजा त्रिशंकु बच्चे के लिए तो तपस्या कर रहे थे। अच्छा बच्चा रोए लगल तो ध्यान टूट गया, और जब ध्यान टूट गया तो राजा त्रिशंकु गोद में उठा लेलन दौड़ के बाबूजी, और घर पे ला करके लालन पालन करे लगलन। आखिर के कहनाम बा प्रमाण मिली कैसे आल्हा में,
वेद से प्रमाण मिलता है। बाबू कितने फेंके हुए लड़के पाए गए, कर्ण कबीरा प्रदुमन तमाम आज वेद गवाह देता है, गवाही देतो। वैसे ही राजा तिरसंकु उस बच्चा को पाए हुए जो भगवान विष्णु और चंद्रमा के बीच में पैदा हुआ था। लेकिन वो बच्चा कौन हुआ? आखिर के लाइन में रमेश बाबू खड़ी के लाइन में एक पत्ती बढ़ के आ जा। धरती माँ की गोद निराली, समय समय से सबको पाली। तो धरती माँ की गोद निराली, समय समय से सबको पाली। पत्तानी बन गई नवा भारत की नगारी। हरी और चंदा से हुए हरिश्चंद गुड़खानी, सत्य के कारण छोड़ दिया वे सपना में राजधानी। रानी झलका पीछे पनामा भारत की नगरी। उसी लड़के का नाम बाबू हरिश्चंद पड़ा। हरि माने विष्णु और चंद्रमा दोनों के बीच से पैदा लड़का का नाम पड़ा हरिश्चंद। बताया जाता है आज हमर नाम है उनका दानियों में दानी महादानी। हरिश्चंद का नाम आता है। ए बाबू विश्वामित्र स्वप्न में ही दान ले लिए। स्वप्न में दान लेकर के निकाल दिए राजा हरिश्चंद। वह राजपाट छोड़ करके बाबूजी बनारस में अइलन। अपना कल्लू डोम के हाथे बिकलन। तारा रानी विप्र के हाथ बिकलिन। पंडित जी लेके गइलन साथ में रोहित जात हो। आ जौनी समय फूल चूनत के रोहित के बाग में जौनी समय सर्प डसले बा। रोहित इस दुनिया को छोड़ के चल दिए बाबूजी। तारा लेकर के रोवत बा भैल का। टसा सर्प जब रोहित को ताराया सूगा। अरे लाल को लेके मारे घज पहुंची कहते थे रखवारी। नारी साली हल का फनावा भारत की नगा। चौनीस में रोहित इस दुनिया छोड़ के चला गया बाबूजी। रोती हुई तारा लेकर के हरिश्चंद घाट पर पहुंचल बनारस में। हरिश्चंद कहलन कि यह लाश मैं जलने नहीं दूंगा, बेगर कर लिए लाश नहीं जलाऊंगा। रोए लगली तारा कहलन कि हे नाथ आप नहीं चिन रहे हैं। हरिश्चंद कहलन कि मैं चिन रहा हूं रानी, तू मेरी पत्नी हो, यह मेरा बेटा रोहित। लेकिन हमारे मालिक का आदेश है बाबू, इसलिए मैं बिगर कर लिए लाश नहीं जलने दूंगा। ए भैया जौनिस में कर देवो बदे के वह तारा रानी अपन आंचल भारत हैं। वही समय स्वयं भगवान विष्णु प्रगट भइलन। भयल का जिसने पैदा किया वही फिर अंत समय में आए। विश्वामित्र का शीश झुका राजा को गले लगाए। Thank you.
भगवान विष्णु स्वयं प्रकट भइलन। राजा हरिश्चंद्र को गले लगा लेते हैं और तारा को भी कहते हैं भगवान विष्णु की पारे हरिश्चंद्र, आज आप अपने भक्ति में सफल हुए। विश्वामित्र से भगवान विष्णु कहते हैं, क्या विश्वामित्र मुनि जी, आपने तो स्वप्न में ही दान लिया था ना, हमारे भक्त का आप परीक्षा लिए देख लिए, हमारा भक्त परीक्षा में पास हो। बोले भगवान विष्णु के, हे हरिश्चंद्र, जब तक ले दुनिया धरती आसमान चांद सूरत कायम रहे तब तक आप दानियों में दानी महादानी कहलाएंगे। आखिर की लाइन में कहना अंबा का, सत्य राम गुरु नटखड़ बाबू नंदन स्वारथ मीर, सुखई दिन करके भक्ति से करें जवाहर प्रीत, कि अरे बगीचे में तरुणाई आ गई।